तो सरीना की लाइफ की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसने इसका पहला पार्ट नहीं देखा द लाइफ ऑफ एश वो ऊपर आई कार्ड में जाकर देख सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सरीना की मोम जिनका नाम ग्रेस है वो पूरे कालोस रीजन की टॉप राइहोन रेसर है और उनके हस्बैंड का कभी मेंशन नहीं किया गया और पोकेमोन विकी के हिसाब से इनका डिवोर्स हो चुका है तो ये एक डिवोर्सी हैं। तो इनकी फैमिली की लेगेसी है कि हर कोई राइहोन रेसर बनता है। तो इनकी मोम और फिर ग्रेस और फिर वो चाहती थी कि सरीना भी राइहोन रेसर बने, इसलिए वो सरीना के बचपन से उसकी ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी राइहोन रेसर की। बट सरीना को राइहोन रेसिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये उसे बहुत ही स्टूपिड स्पोर्ट लगता है और वो बिल्कुल भी ये नहीं बनना चाहती। और इस ज़बरदस्ती की ट्रेनिंग की वजह से सरीना और उसकी मोम की बहुत लड़ाई होती रहती है। पर एक दिन सरीना ने टीवी पर देखा कि लूमियो शहर में एक गार्जियन तबाही मचा रहा है और एक ट्रेनर उसको बचाने के लिए प्रिज्म टावर के ऊपर चढ़ चुका है और उसको देखकर सरीना ने उसे पहचान लिया और उसे देखते ही उसके दिमाग में पूरा का पूरा 4 साल पुराना हादसा फिर से फ्लैशबैक हुआ। और उसे तुम भी देख सकते हो, ये देखो 4 साल पहले प्रोफेसर ओक के समर कैंप में सरीना जंगल में खो गई थी और उसके बाद वो पॉलीबैग से डर कर अपने घुटने पर चोट लगा बैठी थी और उसके बाद आया अपना हीरो ऐश। तो ऐश ने उसके अपना हैंडकरचीफ बांधा और उसे उसके पैरों पे खड़ा किया और उसे एक चीज कही, नेवर गिव अप। और उसके बाद सरीना को उसका जेंटल बिहेवियर और डिटर्मिनेशन देख के वो बहुत पसंद आ गया और उस पर क्रश हो गया। तो सरीना की स्टोरी इंस्पायर है एक लड़की पे जिसको बचपन में एक लड़के ने मदद की थी और उसके बाद फ्यूचर में उसे टीवी पर देखकर उस लड़की को सब याद आ गया और उसके बाद उसने उसको ढूंढने के लिए अपनी खोज स्टार्ट कर दी। और इसी तरह सरीना ऐश को ढूंढने के लिए ट्रेनर बनी और निकल गई उस स्पेशल बॉय को ढूंढने। तो सरीना ने अपना एडवेंचर शुरू किया अपने ड्रीम पैशन और पर्पस को ढूंढने के लिए और इसी के साथ उसने अपनी लाइफ फ्रीली जीनी शुरू की बिना किसी दबाव या फिर कुछ बनने के। तो सरीना जब ऐश से मिली तब वो ऐश के लीडर बिहेवियर और हर किसी से प्यार करने को देख के और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। और उसके बाद ऐश के साथ ट्रैवल करते करते सरीना को खुद की अपनी कैपेबिलिटीज और ड्रीम के बारे में पता चला और उसके बाद उसने ऐश के साथ सिर्फ ट्रैवल करना ही नहीं आसपास दोस्त बनाना और अपने खुद के ड्रीम पे ध्यान देना शुरू किया। और थैंक्स टू शोना, शोना ने उसे कहा कि तुम परफॉर्मिंग में ट्राई कर सकती हो। और उसके बाद सरीना बनी परफॉर्मर, सिर्फ परफॉर्मर ही नहीं रनर अप कालोस क्वीन। तो सरीना ने मेहनत करनी शुरू कर दी और अपने कालोस क्वीन के ड्रीम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया और वो हारी जीतती और हर दिन बेहतर बनती गई अपने पोकेमोन्स और अपने दोस्तों के साथ। तो जब सरीना पहली बार में ही मास्टर क्लास शोकेस में पहुंच गई तो उसने वहां पर आग लगा दी और रनर अप कालोस क्वीन तो बनी गई और फाइनली उसने अपने ड्रीम को आगे रखते हुए अपना रास्ता होएन रीजन में स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ऐश को छोड़ के चली गई। पर फुल कालोस जर्नी में वो एक बार भी अपनी फीलिंग बता नहीं पाई ऐश को, इसलिए इन द लास्ट वो पूरी की पूरी फीलिंग एक ही बार में एक्सप्रेस करके चली गई, किस करके चली गई ऐश को। ये किस एक थैंक यू की तरह थी क्योंकि ऐश ने उसकी लाइफ में ड्रीम्स, पर्पस और पैशन सब कुछ ला के रख दिया था। तो ऐश के साथ ट्रैवल करते हुए सरीना के बहुत से दोस्त बने, बहुत से राइवल्स बने और सरीना की तो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ चेंज हो गई। और वो कैसे, सिर्फ एक रुमाल को वापस करने के लिए एक स्पेशल बॉय को बस। तो कालोस जर्नी के एंड में जब सरीना ने ऐश को किस किया तो उस किस के पीछे का पर्पस क्या था, ये बात तेत्सुओ याजी ने पूरी तरह बताई है कि वो पूरे कालोस रीजन में सरीना को ऐश के ऊपर क्रश दिखाया गया है और आखिर में वो उसके साथ अनफेयर नहीं होने चाहते थे कि एंड तक पूरी तरह इतने वक्त से ट्रैवल कर रही है और एक बार भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो तेत्सुओ याजी ने ये सीन डलवाया ताकि पूरी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस हो जाए। और उसके बाद इन वन कंट्रोवर्सी एक कंट्रोवर्सी हो गई इसी किस के बारे में कि किड्स बेस्ट शो में ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने एंड में एक बात घोषित कर दी, अमोर शिपिंग इज कॉनन शिपिंग। और तेत्सुओ याजी ने कहा कि दिस किस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गोइंग टू बी कपल समडे। तो उन्होंने पूरी तरह से इस कॉन्ट्रोवर्सी में अमोर शिपिंग को कॉनन बना दिया। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ एक चीज़ हुई, ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।